हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर राजीव कुमार शर्मा। आज मैं वीडियो बनाते हुए चल क्यों रहा हूँ मैं बताता हूँ आपको। इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है। अभी मैंने 10 किलोमीटर कंप्लीट किए हैं इस पार्क के, जो कि 5 किलोमीटर तो मैंने कंप्लीट किए हैं राइट टू लेफ्ट या एंटी क्लॉक वाइज जिस डायरेक्शन में हम चल रहे हैं। और उसके बाद जब 5 किलोमीटर मेरी वॉच ने दिखाया कि पूरे हो गए हैं, तो मैंने क्लॉक वाइज चलना शुरू कर दिया या लेफ़्ट टू राइट। ऐसा इम्पॉर्टेंट क्यों है दोस्तों? इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारी जो लेफ़्ट लेग होती है वो राइट लेग से छोटी होती है। तो आप हैरान हो जाएंगे कि अगर आप पार्क में जाएंगे या गूगल पे सर्च करेंगे, तो आप अपने दोस्त के साथ पार्क में जाइए, आंखें बंद करके चलिए, यू विल बी सरप्राइज एंड शॉक्ड कि आप सीधा चलने के बजाय राउंड राउंड घूमने लगेंगे लेफ़्ट साइड को, क्योंकि हमारी लेफ़्ट लेग जो है वो छोटी होती है। इसलिए प्रॉपरली हम दोनों साइड की तरफ, हमें कोई पेन ना हो, प्रॉपर मसल्स का इस्तेमाल हो, ये करना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि मैंने कुछ अपने रनर फ्रेंड से सुना है कि उनको इन पेन स्टार्ट हो जाता है, बट वो जब इस मेथड को अप्लाई करते हैं कि आधा डिस्टेंस क्लॉकवाइज और आधा डिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज भागते हैं, मतलब राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट, तो ये जो पेन है वो गायब हो जाती है, बिकॉज दोनों तरह के मसल्स इक्वली बराबर इस्तेमाल होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको इस तरह के टिप्स पसंद हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि सभी कमेंट्स का आंसर दूं। और मेरी जर्नी को फॉलो करना चाहते हैं फ्रॉम टुडे टिल आई कंप्लीट माय फुल आयरन मैन विद माय फ्रेंड्स प्रदीप एंड अंकुर एंड मे बी 7 मोर पीपल, एंड इन बिटवीन ऑल्सो वी आर डूइंग लद्दाख मैराथन, तो डॉक्टर राजीव रनिंग डायरीज पेज को आप लाइक कर सकते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, थैंक यू।